एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नो कंपनी में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल में घर बैठे विधवा पेंशन लिस्ट 2021 देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कहीं भी जनसेवा केंद्र पर नहीं भागना है, आप अपने मोबाइल में घर बैठे 2021 की विधवा पेंशन लिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेक्नो कंपनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास आई बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना। तो हम यहाँ पर एक क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहां पर अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आ गए हैं। अब यहां पर आपको सर्च बार पे टाइप करना है विधवा पेंशन लिस्ट 2020। तो यहां पर हम टाइप कर देते हैं विधवा पेंशन लिस्ट 2020। तो यहां पर हमने टाइप कर दिया विधवा पेंशन लिस्ट 2020। अब इस पर आपको क्लिक कर देना है, तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको अब थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेंशन पोस्टर। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा निराश्रित महिला पेंशन यानी विधवा पेंशन। आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर मिल जाएगी आपको पेंशन सूची। आपको जो भी देखना है पेंशन सूची वो आपको यहाँ मिल जाएगी 2015 से 2021 तक लेके। तो हम आपको नहीं दिखाएंगे 2021 की, तो आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ मिल जाएगा जनपद, जो भी आपका जनपद जिला है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं एक जनपद जिला पर। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर मिल जाएगा ग्रामीण क्षेत्र यानी गाँव का आपका जो भी विकास खंड है वो सेलेक्ट कर लेना है। और आपको थोड़े नीचे मिल जाएगा शहरी क्षेत्र यानी शहर का नगर निकाय आपका जो भी है। तो हम आपको गांव की दिखाएंगे, तो आपको एक विकास खंड गांव सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका गांव है विकास खंड। तो हम यहां पर एक गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहां पर एक गांव सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा यानी पेज। अब आपको थोड़ा नीचे आना, यहाँ मिल जाएगा आपको ग्राम पंचायत, जो भी आपका ग्राम पंचायत गांव है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना। तो हम यहाँ पर एक ग्राम पंचायत गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया है गांव यहाँ पर एक। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुल पेंशन, जितने भी कुल पेंशन है यहाँ पर 86, तो आपको ये ब्लू कलर से लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, क्रम संख्या, रजिस्टर संख्या, पेंशन का नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु, वर्ग, मोबाइल नंबर, संख्या, पता, धनराशि कितनी में मिल रही है हर महीने, 1000-1500-2500 मिल रही है, बैंक का नाम, खाता संख्या, लास्ट के 4 डिजिट, पेमेंट की स्थिति। तो दोस्तों, यहां पर आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेक्नो कंपनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास आई बेल आइकन को दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।